उन सबकी कहानी शॉर्ट में समझेंगे ताकि हमें हमारे दिमाग में सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाए। बच्चों यहाँ पे पार्ट एक और दो जो हमारी नई पुस्तक में बदल चुके हैं वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट तीन और पार्ट चार रिवाइज करेंगे। हमारा पार्ट तीन है युवक का हट। युवक का हट एक ऐसे बच्चे की कहानी, एक ऐसे युवक की कहानी है जो देश के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए थे। वह कानपुर में रहता था और एक दिन अचानक कानपुर स्टेशन पे जब उसने ट्रेन में यात्रियों की बहुत ज़्यादा खचाखच भरी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ट्रेन में इतनी भीड़ देखी उसने कि उसे वह सोचने पर मजबूर हो गया कि यदि लोग इस प्रकार ट्रेन के ऊपर चढ़कर सफ़र करेंगे तो उनकी जान को रिस्क हो सकता है। फिर उसने एक स्टेप लेने को सोचा, उसने आगे कदम बढ़ाया और वो स्टेशन मास्टर के पास गया जहां उसने उनसे कहा, अनुरोध किया कि आप कृपया ट्रेन में और डब्बे जोड़ दीजिए क्योंकि ट्रेन की जो डब्बे हैं वो कम हैं और यात्रियों की संख्या अत्यधिक है, यानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग ट्रेन की छतों पर चढ़कर जा रहे हैं। तो स्टेशन मास्टर उस युवक को साधारण समझकर उसे वहाँ से भगा देता है और उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। इसके बाद लेकिन अंततः युवक की जीत होती है और उसने स्टेशन मास्टर को मजबूर कर दिया होता है कि वो ट्रेन में और डब्बे जोड़े। अंततः स्टेशन मास्टर डब्बे जुड़वाता है। उसके बाद ये जो व्यक्ति थे, युवक था यह, उसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने कानपुर में एक अखबार निकाला था जिसका नाम था प्रताप, और वे गरीबों और किसानों के गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए। उन्होंने लखनऊ में पहली बार गांधी जी से मुलाकात की, उसके बाद अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। कई बार जेल गए और सभी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1930 में उत्तर प्रदेश में हुए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे और हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। बच्चों सांप्रदायिकता का अर्थ होता है संप्रदाय के आधार पर, यानी जाति के आधार पर मन मुटाव और झगड़े करना। बेटा इनकी मृत्यु इन्हीं सांप्रदायिक दंगों को शांत कराते समय हुई थी, जो कि बहुत दुखद है। और गांधी जी ने उनकी मृत्यु पर बहुत खेद जताया था और कहा था कि काश मुझे भी देश के लिए ऐसे कार्य करते हुए ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। बच्चों इस पाठ की आप शब्द व अर्थ को भी थोड़ा ध्यान देंगे, याद करेंगे। अब हम चलते हैं पाठ चार की तरफ जिसका शीर्षक है पानी की खोज। पानी की खोज में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक अंतरिक्ष यात्री से भेंट करती है अचानक से, और उसने उस अंतरिक्ष से आने वाले आप उसे प्राणी कह सकते हैं, अजीब से प्राणी ने उस लड़की को, छोटी सी लड़की को सोचने पर मजबूर कर दिया और शायद हमें भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि ऐसी स्थिति आ गई तो फिर हम हमारे पूरे संसार का, हमारे पूरे ग्रह का क्या होगा। ठीक है, तो यह एक कहानी ऐसी लड़की की है जिसे एक अद्भुत प्राणी जो किसी अंतरिक्ष किसी दूसरे ग्रह से एक रॉकेट से टीना की छत पर उतरता है और उससे क्या मांगता है, शुद्ध पानी मांगता है। शुद्ध पानी मांगने के बाद वो टीना को कहता है कि आप तुम मेरी मदद करो और चलो मुझे शुद्ध पानी दिलाओ। टीना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है परंतु कहीं भी उसे शुद्ध पानी नहीं मिलता है।
सबसे पहले वो जाते हैं झील पर, उसके बाद नदी पर, उसके बाद कुएं पर, परंतु कहीं भी जीटो को, जीटो जो कि किसी दूसरे ग्रह से, सुदूर ग्रह से आया हुआ प्राणी था, जीटो नाम था जिसका, उसे कहीं भी शुद्ध पानी नहीं मिलता। अंततः वह हार कर अंटार्कटिका जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे शुद्ध पानी मिल सकती है और शुद्ध पानी से उसका रॉकेट चलता है। तो बच्चों, जीटो जाते जाते टीना को एक चेतावनी देकर जाता है कि अगर तुम्हारी धरती के लोगों ने पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से नहीं किया तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब इस पूरी धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। बच्चों, जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि हमने इसका प्रयोग अच्छे तरीके से नहीं किया, सावधानी पूर्वक नहीं किया, तो यह हमारी पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा और उसी के साथ हमारे जीवन का भी अंत हो जाएगा। चलो, ये हो गया हमारा पार्ट चार। बच्चों, पार्ट दो और एक, जिसमें कविता दी गई है, और पार्ट दो में एक कहानी है जिसका नाम है, क्या नाम है आपको याद है? पार्ट एक में जो कविता दी गई है उसका तो नाम है जी होता चिड़िया बन जाओ, यस। और पार्ट दो में जो कहानी है उसका नाम क्या है? ईदगाह। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो पीडीएफ है, बुक की जो पीडीएफ है हमारे पास, उसमें ये दो पार्ट नहीं दिए गए हैं, तो इन दो पाठों की पुनरावृत्ति हम कर लेंगे कहाँ से? वीडियो से कर लेंगे। YouTube की जो वीडियो है जहाँ पे आपकी हिंदी की कक्षाओं के सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, वहाँ से आप इसे रिवाइज करेंगे। ये थोड़ा समय ले रहा है। बच्चों, पार्ट एक की कविता का नाम है जी होता चिड़िया बन जाओ, ये देखिए। लेकिन बीच में एक बनकर स्वतंत्र जीवन जीने का करता है। इस कविता में इसी भाव के बारे में बताया गया है। बच्चों, यहाँ देखिए, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नव में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, डोलूं तरू की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इटलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले तो इस कविता में से जितनी भी लाइनें हैं सब पर ध्यान देकर याद करना है। जैसे आपको ये लाइन तो ऐसे ही याद होगी, जैसे जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नव में उड़कर सुख पाऊं। इसके बाद बाकी की लाइनों को आप थोड़ा रिवाइज करेंगे, बोल बोल कर पढ़ेंगे, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां आपकी पेपर में आए और आपको उनमें जो मिसिंग वर्ड है, जो शब्द है जो नहीं लिखे गए हैं, खाली है, स्थान है, उन पर भरना हो। तो यदि आपको कविता याद नहीं रहेगी तो आप कैसे लिखोगे? इसलिए कविता याद कर लेना। इसके बाद हमारा, बच्चों आपको इस पाठ के शब्द अर्थ भी याद करने हैं। देखिए, ये है इस पाठ के शब्द अर्थ।
चलिए आप शब्द अर्थ खुद स्वयं याद करेंगे इसलिए हम, और प्रश्न उत्तर भी आप स्वयं याद करेंगे। हर पाठ के शब्द अर्थ प्रश्न उत्तर याद करेंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आई पाठ दो की बारी। पाठ दो में क्या है? पाठ दो में है ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी को हम एक बार ना? नमस्कार बच्चों, देखिए ईदगाह कहानी में एक ऐसे लड़के जिसका नाम हामिद होता है और उसकी दादी का नाम अमीना होता है की कहानी दी गई है, जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास समय से सही रूप से रोज खाने के लिए कुछ उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता। हामिद का सहारा उसकी बूढ़ी दादी अमीना है और अमीना का सहारा हामिद है। इन दोनों के सिवा उनके घर में और कोई नहीं है। तो चूंकि हामिद मुसलमान है तो उसके धर्म में रमज़ान यानी पूरे 30 रोज़ों के बाद, यानी रमज़ान एक महीना होता है जिसमें पूरे 30 दिन रोज़ा रखा जाता है, और इन 30 दिनों के रोज़ा रखने के बाद ईद आती है। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और ईद के दिन पूरे गांव में चहल पहल रहती है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज उन्हें ईदगाह जानी है। ईदगाह जाने के लिए सबके पास पैसे थे, सबके पास उनके माता पिता थे, परंतु हामिद के पास ईदगाह जाने के लिए न तो पैसे थे और न ही कोई साथ जाने वाला था। यहाँ तक कि हामिद के घर में तो आज ईद के दिन खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं था। यह बात सोचकर हामिद की दादी अमीना बहुत दुखी थी। वह और यहाँ तक कि ईदगाह गांव से 3 कोस दूर था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। हामिद की दादी यही सोचकर दुखी थी कि हामिद इतनी दूर नंगे पाँव कैसे जाएगा और वह आएगा तो मैं उसे क्या बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि घर में तो अनाज का एक दाना तक नहीं है। ईदगाह जाने के लिए मैं हामिद को क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। फिर भी अपने बचाए हुए पैसों में से 3 पैसे अमीना हामिद को देती है और हामिद फिर ईदगाह सभी बच्चों के साथ खुशी खुशी जाता है। सभी बच्चे ईदगाह में नमाज अदा करते हैं, सभी बड़े और बच्चे एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसके बाद सब निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। सभी बच्चे सबसे पहले कहाँ जाते हैं, देखिए आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ, नमाज खत्म होने के बाद सभी बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोलते हैं, परंतु बच्चे सबसे पहले खिलौनों की दुकान पर जाते हैं और खिलौने खरीदते हैं। किसी ने भिश्ती खरीदे, किसी ने सिपाही और गुजरिया खरीदा, किसी ने राजा और वकील, किसी ने धोबिन, किसी ने साधु और सेठानी, और सभी खिलौने एक से बढ़कर एक थे, परंतु हामिद ने उन खिलौनों में से कुछ भी नहीं खरीदा। वह अपने मन को समझाता है कि यह खिलौने ही तो हैं, गिरकर टूट जाएंगे, मुझे अपने इन पैसों को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना। इतना सब सोचने के बाद जब बच्चे मिठाई लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तब भी हामिद अपने आप को रोक लेता है और सभी बच्चे उसे चिढ़ाकर मिठाई खाते हैं, परंतु फिर भी हामिद अपनी जेब में रखे वो 3 पैसे उन मिठाइयों पर खर्च करने को तैयार नहीं था। मिठाइयों के बाद लोहे और गिलट के सामानों की दुकानें थी। लड़के वहाँ से यूं ही गुजर जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपने लिए कुछ नहीं दिखता, परंतु हामिद की नज़रें वहाँ रखे एक लोहे के सामान पर टिक जाती हैं।
वो लोहे का सामान क्या होता है? वो होता है चिमटा। बच्चों, हामिद अपनी दादी से कितना प्रेम करता था कि उसे चिमटा देखकर यह याद आया कि मेरी दादी के हाथ रोटी बनाते समय तवे पर जल जाते हैं, यदि उनके पास चिमटा होगा तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। और वह अपने उन्हीं 3 पैसों को किसी तरह दुकानदार को मनाकर उसे दे देता है और उसे उससे वो चिमटा ले लेता है। बच्चों, दुकानदार 3 पैसे में चिमटा देने को नहीं मान रहा था क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे चाहिए थे, फिर भी अंततः दुकानदार मान जाता है और चिमटा हामिद को दे देता है। रास्ते में चिमटा लेकर हामिद बहुत खुश होता है और उसने सभी बच्चों को मजबूर कर दिया होता है कि सब बच्चे अपना खिलौना छोड़कर हामिद का चिमटा ही लेकर देखना चाहते थे। परंतु जब हामिद चिमटा लेकर घर आता है तो उसकी दादी बहुत नाराज़ होती है। उसे बहुत दुख होता है कि मैंने हामिद को ये 3 पैसे उसे कुछ खाने खिलौने खरीदने के लिए खाने के लिए दिया था और उसने इस लोहे के चिमटे पर ये 3 पैसे बेकार कर दिए। परंतु जब दादी ने जाना कि हाँ, चिमटा खरीदने के पीछे हामिद की मंशा क्या थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी नाराज़गी छोड़कर हामिद को गले से लगा लिया। बच्चों, यह बहुत ही मार्मिक कहानी है और आपको इसका अर्थ समझना चाहिए। बच्चों देखिए, हामिद अपनी दादी से सच्चा प्रेम करता था, यही है सच्चे प्रेम का उदाहरण। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, निस्वार्थ होता है, वह किसी लालच का भागी नहीं होता। तो बच्चों, हमने अब पार्ट 1 और 2 भी रिवाइज कर लिया। इसके बाद अब हम रिवाइज करेंगे अपना हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के लिए पुनः हम अपनी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक को खोलेंगे और सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है बूझो तो जाने, भाषा व व्याकरण। बच्चों, बूझो तो जाने और गीत, ये चीज़ ये आप स्वयं रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम भाषा, व्याकरण व लिपि पहले पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे वर्ण व मात्राएं, उसके बाद शब्द। भाषा, व्याकरण व लिपि, लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट। बच्चों, भाषा की परिभाषा क्या होती है? हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं, दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। मन की बात या भाव को प्रकट करने का साधन भाषा है। इसी प्रकार भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक व लिखित। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। बच्चों, आपको इन सब की परिभाषा याद करनी है, ठीक है? मुख से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके बाद वर्ण व मात्राएं, अल्फाबेट एंड वॉवल साइंस। वर्ण व ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते और इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वरों की संख्या 11 है। कुछ विशेष ध्वनियां हैं जिन्हें अयोग व कहते हैं, अनुस्वार व विसर्ग। अनुस्वार व विसर्ग दोनों को एक साथ अयोग व कहेंगे क्योंकि ये विशेष ध्वनियां हैं। व्यंजन संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर 3 है, क्ष, त्र, ज्ञ। स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। इसके बाद मात्राएं। बच्चों, आर वर्ण की या स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की होती है। इसके बाद हमारा 3रा पाठ है शब्द। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो।
इसके बाद हमारा अगला पाठ है औपचारिक पत्र या पत्र लेखन। बच्चों पत्र लेखन संभवतः पाठ 20 में दिया गया है। ये देखिए रचनात्मक पत्र है जिसमें कल आपको पत्र लिखाया गया था। हमने प्रधानाचार्य के पास 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखा था, ठीक है। तो इस प्रकार अब हमने अपना UT1 का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया और अब हम